जय हिंद दोस्तों। 62 साल तक जिस कांग्रेस पार्टी ने घोटालों के सिवाय कुछ नहीं किया, वो कांग्रेस पार्टी आज गुजरात चुनाव में ये कैंपेनिंग कर रही है कि गुजरात का 20 साल का विकास तो पागल हो गया है, गुजरात के विकास पे ही क्वेश्चन मार्क कर रही है, कह रही है गुजरात नो विकास गांडो थे गयो। खैर, कांग्रेस पार्टी की तरह हम हवा में तो बातें करते नहीं है, ना ही झूठी अफवाह फैलाते हैं। आज मैं कुछ ऐसे तथ्य और आंकड़े आपके सामने रखूंगी और ये सिद्ध करूंगी कि क्या गुजरात का विकास सच में पागल हो गया है। दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में से गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने सर्वाधिक आर्थिक विकास के रिकॉर्ड बनाए हैं। पूरे हिंदुस्तान में जितना भी औद्योगिक उत्पादन होता है उसमें 20% कंट्रीब्यूशन अकेला गुजरात करता है। खनिज उत्पादन में गुजरात 9%, टेक्सटाइल उत्पादन में गुजरात 24%, 22% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, 35% ऑफ इंडियाज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड 60% ऑफ इंडियाज पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन। इसके अलावा दोस्तों, सबसे ज्यादा गुजरात में एयरपोर्ट्स है, 17 एयरपोर्ट्स, 1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 45 बंदरगाह। गांधीनगर पूरे एशिया का ग्रीनेस्ट कैपिटल है। गुजरात एक ऐसा राज्य है पूरे हिंदुस्तान में जिसकी रोड और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। गुजरात में क्राइम रेट न्यूनतम है, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध की दर भी कम है। गुजरात की क्राइम रेट 8.2% है, विच इज लिस्ट इन इंडिया इवन आफ्टर कंसिडरिंग 2002 कम्युनल राइट्स। गुजरात में 18,000 विलेजेस है जिसमें 100% इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। विश्व की सबसे बड़ी ऑयल ग्रास रूट रिफाइनरी गुजरात के जामनगर में है। गुजरात के अहमदाबाद को हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 2001-02 तक कुछ 9,000 करोड़ था, जो कि आज 1,12,000 करोड़ तक पहुंच गया है। गुजरात में बेरोजगारी दर न्यूनतम है। गुजरात में पूरे हिंदुस्तान से लोग रोजगार के लिए आते क्योंकि गुजरात में रोजगार और आय के साधन सर्वाधिक है। गुजरात में 2001-02 तक कुछ 15 यूनिवर्सिटीज थी जो कि आज 52 तक पहुंच गई है और कुछ 20 गवर्नमेंट कॉलेज थे जो कि आज 71 हो गए हैं। गुजरात में सर्वाधिक मिल्क प्रोडक्शन होता है। गुजरात का अहमदाबाद शहर विश्व का 3rd नंबर का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। पूरे विश्व में बिकने वाले डायमंड का 80% डायमंड गुजरात के सूरत शहर में तैयार होता है और सूरत शहर को ही हिंदुस्तान का 3rd नंबर का क्लीनेस्ट सिटी का खिताब मिला है। गुजरात में जब कांग्रेस का कार्यकाल था तब गुजरात की रेवेन्यू डेफिसिट 6,732 करोड़ थी, जो कि आज रेवेन्यू सरप्लस 4,603 करोड़ हो गया है। दोस्तों, ये तो रही गुजरात के विकास की बात। अब हम बात करते हैं गुजरातियों की। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि यूपी चुनाव में अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने गुजरातियों को गधा कहा था और आज राहुल गांधी गुजरात चुनाव के वक्त गुजरातियों के पास ही वोटों की भीख मांग रहा है। इंडिया के टॉप 10 अमीर लोगों में से 5 गुजराती है। यूएस में 17,000 होटल्स एंड मोटल्स गुजरातियों के हैं और यूएस की जो होटल इनकम है उसमें 50% कंट्रीब्यूशंस गुजरातियों का है। दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान को फ्री इंटरनेट, रोमिंग फ्री, आउटगोइंग फ्री देने वाला एक गुजराती है। दोस्तों, यूएस में हर 5वां इंडियन अमेरिकन गुजराती है और हिंदुस्तान में हर 20वां सिटीजन गुजराती है। गुजराती हर कोने में है और उन्होंने हर जगह देश के मान सम्मान को बढ़ाया ही है। देश की इकोनॉमी को सशक्त बनाने में गुजरातियों का बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस के जो भी अंध गुलाम है, जिनको विकास नहीं दिखाई दे रहा, उनको मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आप गुजरात के कोई भी छोटे से गांव का कंपैरिजन अमेठी से कर लीजिए। वो अमेठी जिसकी पुश्ते चुनी गई है, सरकार में ज्यादा वक्त बिताया है, 3 प्रधानमंत्री जहां से बने, उस अमेठी का आप कंपैरिजन करिए गुजरात के गांव के साथ। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा विकास पागल हुआ है, गुजरात का विकास या कांग्रेस का वो मनबुद्धि बालक जिसके दिमाग का ही विकास नहीं हो रहा है। जहां एक और भाजपा 6 करोड़ गुजरातियों के विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, वहां पर वही कांग्रेस ने अपना पुराना रूप दिखाया। धर्म और जाति की राजनीति कर रही है, 3 जातीय लीडरों के साथ गठबंधन किया और इन्होंने तो गठबंधन का लेवल ही गिरा दिया। इस बार गुजरात के 3 आवारा टपोरियों के साथ इन लोगों ने गठबंधन किया है। अकेले चुनाव लड़ने की तो इन लोगों की हैसियत रही नहीं, यूपी में इतना करारा तमाचा इनको पड़ा है। धर्म की राजनीति करने चले थे हिंदू और मुसलमानों ने एक होकर यूपी में इनको इनकी जगह दिखाई है, फिर भी इन लोगों को नहीं सुधरना, 44 पे आ गए हैं। और क्योंकि गुजरात में हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए इन्होंने ओबीसी, दलित और पटेल लीडरों के साथ में गठबंधन किया, हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश की। जितनी कांग्रेस जातीय राजनीति गुजरात में कर रही है, इस चुनाव में इनकी
ये जातीय राजनीति 6 करोड़ गुजराती मिलके भुला देंगे। और दोस्तों मैं इनके आपको डबल स्टैंडर्ड दिखाती हूँ। केरला में सरेआम इनके नेता गाय को काटते हैं, पकाते हैं और वहीं पे खाते हैं सरेआम। और गुजरात में राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाके माथा टेकते हैं, गौशाला जाते हैं, हवन और यज्ञ करवाते हैं। केरला में आरएसएस के इतने कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, उस पर ये एक शब्द नहीं बोलते हैं, मगर गुजरात आकर ये लोग महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि महिलाओं को आपने कभी शाखा में शॉर्ट्स में देखा है? पहली बात तो शॉर्ट्स पहनना या ना पहनना हमारा अपना फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ठीक है। दूसरी बात, राहुल जी आपको ये कोई हक नहीं बनता कि आप महिलाओं को क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है उसकी सलाह दे। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वुमेन एम्पावरमेंट शॉर्ट्स पहनने से नहीं आता है। मोदी गवर्नमेंट ने अपने आप में वुमेन एम्पावरमेंट का जीता जागता प्रमाण दिया है। डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, आईएनबी मिनिस्टर, टेक्सटाइल मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, गवर्नर्स जैसे बड़े पदों पर महिलाएं हैं। दोस्तों इनकी हिपोक्रेसी तो देखो, आज ये लोग गुजरात की बड़ी चिंता दिखा रहे हैं। ये लोग तब कहां गए थे जब गुजरात में बाढ़ आई थी और इन्होंने अपने 44 एमएलए को कर्नाटका भेज दिया था। बेंगलुरु के 5-स्टार रिसोर्ट में सारे लुफ्त तो था रहे थे इन लोगों के एमएलए। ये दोस्तों ये कभी ना तो गुजरातियों के हुए ना कभी ये गुजरात के हुए। इन्होंने हमेशा गुजरात के विकास में अड़ंगा डाला है, इन्होंने हमेशा गुजरातियों के साथ अन्याय किया। फिर चाहे बात सरदार भाई पटेल की हो, मोरारजी देसाई की हो, नर्मदा डैम की हो या बुलेट ट्रेन की हो, क्योंकि ये कभी चाहते ही नहीं कि गुजरात का या गुजरातियों का विकास हो। और ये राहुल जो बहुत ज्यादा हिंदू हिंदू कर रहा है और बहुत मंदिरों में घूम रहे हैं, लेकिन हिंदू त्योहार, हिंदू धर्म, हिंदू मान्यताओं के खिलाफ जितनी भी अर्जियां हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई दे रहा है तो वो इनके ही लीडर्स दे रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल। हिंदू त्योहारों पर बैन, हिंदू के धर्म पर, हिंदू की आस्थाओं पर बीफ बैन को लेकर सारी अर्जियां इन लोगों के नेताओं ने लगाई है। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी ना तो कभी हिंदुओं की हुई है ना कभी होगी। 1947 का बंटवारा अपने आप में हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय का प्रमाण है जो नेहरू जी ने किया था। दोस्तों अगर इन लोगों का बस चले ना तो ये आज गुजरात में जीत कर आए तो दूसरे दिन ये हमारा जो त्योहार है नवरात्रि उसको नॉइस पॉल्यूशन के नाम पर बैन कर दे, उसी तरह से जैसे कर्नाटका में बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी की सरकार ने बीफ बैन किया था 2013 में। कांग्रेस की सरकार ने आते ही बीफ बैन को खारिज किया था, उस निर्णय को खारिज किया था। दोस्तों ये लोग कभी इस देश के हुए नहीं, ये लोग जो आतंकवादी, अलगाववादी, हुर्रियत रीडर, पत्थरबाजों से हमदर्दी रखते हैं, उनके मानव अधिकार की इनको चिंता है, भारत की बर्बादी के नारे लगाने वालों के साथ ये लोग खड़े रहते हैं, इनको भारत माता की जय बोलने से प्रॉब्लम है, इनको वंदे मातरम बोलने से प्रॉब्लम है, नेशनल एंथम को अनिवार्य करने का ये लोगों ने सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेसियों ने किया था, इन लोगों को कभी भी कश्मीरी पंडितों के मानव अधिकार की चिंता नहीं हुई। ये लोग रोहिंग्यास के मानव अधिकार की चिंता करते हैं। इनका बस चले तो ये लोग गुजरात में और पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां इनकी सरकार है वहां पर रोहिंग्या को जमीन देकर लीगली उनको रहने का अधिकार दे दे। कश्मीरी पंडित के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। केरला में इतने हिंदू मारे जा रहे, उनके धर्म परिवर्तन कराए जा रहे जबरन, उस पर ये कुछ नहीं बोलते। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर ममता बनर्जी ने मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी तब ये कुछ नहीं बोले। ये हमारा भला करेंगे? ये कभी देश के नहीं हुए, ये हमारे होंगे? दोस्तों ये जो कांग्रेस के सारे लीडर नेता, इनके रिश्तेदार, ये पूना वाला और वाड्रा, ये लोग जितना हिंदू धर्म, उनकी आस्था, उनके त्योहार का ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर मजाक बनाते हैं ना, आप कभी देखेंगे तो आपका खून खौल जाएगा। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रूम में ये लोग हिंदुओं के त्योहारों की जो धज्जियां उड़ाते हैं, इतनी अर्जियां दाखिल करते हैं हमारे त्योहारों को लेके, ये लोग क्या चाहते हैं कि हम इन्हें एक सुख समृद्ध शांति वाला राज्य गुजरात सौंप दे ताकि कल को गुजरात का भी केरल और पश्चिम बंगाल जैसा हाल हो जाए? मैं आप सभी लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूं, डिसाइड करिए आप लोग कैसी सरकार चाहिए। ऐसी सरकार जो तुरंत निर्णय ले या ऐसी सरकार जो पानी पीने के लिए भी मैडम की परमिशन लेने जाए।
गुजरात के लोग डिसाइड करें कि उन्हें आतंकवादी, अलगाववादी, रोहिंग्या आतंकवादियों, पत्थरबाजियों, हुर्रियत रीडर्स का साथ देने वाली सरकार चाहिए या ऐसी सरकार चाहिए जो राष्ट्र हित और देश हित की बात करती हो। गुजरात के किसान डिसाइड करें कि उन्हें 10 घंटे बिजली देने वाली सरकार चाहिए या ऐसी सरकार चाहिए जो बिजली का इंतजार करते करते फसल सूख जाए, ऐसी सरकार चाहिए। गुजरात के किसान डिसाइड करें कि खेतों खेतों तक नर्मदा का पानी पहुंचाने वाली सरकार चाहिए या ऐसी सरकार चाहिए जिसने पूरे हिंदुस्तान में किसानों को आत्महत्या करने पर विवश कर दिया। गुजरात के लोग डिसाइड करें कि हर 2 साल में जीपीएससी के एग्जाम्स का निर्णय लेने वाली सरकार चाहिए या ऐसी सरकार चाहिए जो युवाओं को धर्म, जाति और आरक्षण के नाम पर भड़काती हो। गुजरात के लोग डिसाइड करें कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए जिसके मित्र पुतिन, नेतायू, सिंजो आबे और ट्रंप जैसे महान दुनिया के लीडर्स हो या ऐसी सरकार चाहिए जिसके मित्र कन्हैया, उमर खालिद, हार्दिक, अल्पेश, जिग्नेश जैसे जातीय राजनीति करने वाले और भारत की बर्बादी के नारे लगाने वाले मित्र हो। गुजरात के लोग डिसाइड करें कि उन्हें धुआंधार विकास करने वाली सरकार चाहिए या ऐसी सरकार चाहिए जो एक डायनेस्ट लीडर के पीछे, एक मनबुद्धि अविकसित बालक के पीछे अपनी ही पार्टी का खात्मा करने में लगी हो, ऐसी सरकार चाहिए। दोस्तों, मैं आप सब लोगों को अंत में कुछ ऐसी बात बताऊंगी जो जानना बहुत जरूरी है। गुजरात में कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि पाटीदार समाज को गुमराह किया जा रहा है हार्दिक पटेल द्वारा। हार्दिक पटेल की मैं एक लेटेस्ट क्लिप आपको अंत में दिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप ये क्लिप गौर से देखें। जे पाटीदारों नो हक भाजप सरकार नहीं आपी सकी, ये हक कांग्रेस सरकार कई रीते आपी सकशे? भाजप केम नहीं आपी? भाजप सरकार जे नहीं आप्यो ये कांग्रेस सरकार कई रीते आपशे? देखो, कांग्रेस कई रीते आपसे, कई रीते नहीं आपे, नहीं आपे तो चाल से कांग्रेस सरकार कई रीते आपसे? देखो, कांग्रेस कई रीते आपसे, कई रीते नहीं आपे, नहीं आपे तो चाल से कांग्रेस सरकार कई रीते आपसे? देखो, कांग्रेस कई रीते आपसे, कई रीते नहीं आपे, नहीं आपे तो चाल से हमारे से भाजपा ने पड़वानी चिकन किया ने हमारे पर अत्याचार किया। देखा दोस्तों आपने, इस क्लिप में हार्दिक पटेल साफ साफ कह रहा है कि कांग्रेस अनामत दे या ना दे, नहीं देगी तो भी चलेगा, मगर ये लोग कांग्रेस को समर्थन करेंगे क्योंकि इन्हें भाजपा से प्रॉब्लम है। कोई इश्यू नहीं है, सबको अपनी पॉलिटिकल पार्टी चुनने का हक है और उन्हें समर्थन देने का भी हक है, लेकिन अनामत के नाम पर हार्दिक पटेल ने जो भोले भाले लोगों का फायदा उठाया, अनामत की आग में पूरे गुजरात को इसने झुलसा दिया। ये हार्दिक पटेल अपने मेन मुद्दे से भटककर अब जब ये राजनीति कर रहा है, तो यहां पे समझने वाली ये बात है कि ये ना तो कभी पाटीदार का सगा हुआ है ना ही कभी होगा। ये वो गिरगिट है जो हर वक्त रंग बदलता रहता है। फैसला आप लीजिए, आप सोचिए कि आपको क्या करना है। मैं अगले वीडियो में एक बार फिर आपसे मिलूंगी। जिस तरह से आज मैंने गुजरात के आंकड़ों की आपके सामने बात की और ये सिद्ध किया कि गुजरात का विकास एक्चुअली क्या है, उसी तरह से मैं बहुत जल्द जो ये मोदी जी के खिलाफ बात कर रहे हैं कि 3 साल में मोदी जी ने कोई विकास नहीं किया, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी को लेकर ये जो अनाप शनाप अफवाह फैला रहे, इकोनॉमी डेवलपमेंट्स को लेकर या जीडीपी ग्रोथ को लेकर, इन सारे आंकड़ों के साथ मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगी और ऐसे ही तथ्य आपके सामने रखूंगी जो कभी मीडिया आपको नहीं दिखाएगी। जय हिंद।